2020 के चुनाव में जब बीच मीटिंग से उठ करके मुकेश सहनी ने ये कहा था कि उनको अपने हक और अपनी ज़रूरत के हिसाब से सीटें नहीं मिल रही है और उनके साथ धोखा हो रहा है, तो सभी ने कहा था कि नई नई पार्टी बनी है और इस तरह की बात उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन मुकेश सहनी कुछ अपना सोच चुके थे। मुकेश सहनी ने जिस तरह से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरुआत की थी उसके बाद वो पीछे मुड़ करके नहीं देखे। उसके बाद 2020 का चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने अपने हिस्से की सीट दी। 4 सीट वो पहली ही बार में जीत करके आए, विधानसभा की 4 सीटें और मुकेश सहनी का बिहार सरकार में मंत्री बनना, ये सब कुछ प्रारंभ हो चुका था। लेकिन अचानक से उत्तर प्रदेश की बात आई और उत्तर प्रदेश के मामले पर भाजपा से उनकी नहीं बनी। ऐसे में त्याग करने की ज़रूरत पड़ी तो वो फिर से वहाँ अपने पार्टी और अपने लोगों के साथ कोई समझौता नहीं करते हुए उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। आगे अपने समाज की लड़ाई वो लगातार लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में एक बार फिर से 2024 के चुनाव में तेजस्वी यादव के साथ वो दिखे और तेजस्वी यादव के साथ जमकर उन्होंने चुनाव प्रचार किया। हम परिणाम की तरफ नहीं जाते हैं, लेकिन 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के जितना ज़्यादा अपनी तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है, ऐसा इलाका है जहां भारी संख्या में सहनी समाज के लोग रहते हैं। वहां पिछली बार तो चूक गए थे, लेकिन इस बार हर हाल में अपने लिए एक बेहतर ज़मीन तलाश करने की कोशिश शुरू कर चुके हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें कि बिहार में भी अपना पाँव जमाने में पीछे नहीं है। बक्सर का क्षेत्र कहा जाता है कि खास करके इस समाज के लिए बड़ा मुफीद है। पहले भी वह इन क्षेत्रों पे चुनाव वो लड़ चुके हैं और देखना दिलचस्प होगा कि आगे वो किस तरह से तैयारी कर रहे हैं। लगातार यात्रा पर हैं और यात्रा के माध्यम से वो अपने समाज को एकजुट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसी ही एक यात्रा के दरमियान वो बक्सर पहुँचे मुकेश सहनी ने अपने लोगों के बीच में बहुत सारी बातें कही और उन्होंने साफ तरीके से कहा कि जहाँ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया, वहीं उन्होंने 10 वर्षों से लड़ रहे हैं इस बात को कहते हुए अपने समाज को एकजुट करने की बात कही। बक्सर के मैदान में उन्होंने अपने पार्टी के पदाधिकारियों के साथ लोगों को संबोधित किया और जाति को कभी भी अपनी जाति से दूर होने की बात नहीं सोचनी चाहिए, ये बातें कही उन्होंने, समाज को एकजुट करने की बात कही। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अपनी ज़िंदगी में हार कभी नहीं माना है और आगे भी वो लड़ाई जारी रखेंगे। संघर्ष के बदौलत वो यहाँ तक पहुँचे हैं और संघर्ष उनका जारी रहेगा। अब आप सभी से, उन्होंने अपनी जनता के सामने कहा कि आप सभी से मेरा आग्रह होगा कि आप हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलें, तभी जा करके ग्रुप में कोई भी संगठन और समाज रहता है तभी उसका कद्र किया जाता है और उसके अधिकार मिलते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि मुकेश सहनी अपनी बातों को समझाने में कितना सफल हुए, क्योंकि 2025 के चुनाव की तैयारियों से जोड़कर इसको देखा जा रहा है और मुकेश सहनी के इस प्रयास और आज के इस सभा में बहुत कुछ पॉजिटिव नेगेटिव होकर के निकलेगा। जैसे ही कुछ इस पर जानकारी हमें मिलेगी हम आपसे फिर जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को स्वागत है। साथियों, ये संकल्प यात्रा लेकर पूरे बिहार में हम लोग घूम रहे हैं। आप सब जान रहे हैं पिछले 10 सालों से लड़ाई हम लड़ रहे हैं, अपने अधिकार के लिए, अपने मान सम्मान के लिए, जो कभी हमारे पूर्वज जो सपना देखा उस सपना को साकार करने के लिए। बॉम्बे के ऐशोआराम जिंदगी को छोड़कर, घर परिवार बच्चे को छोड़कर आज आपके अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। एक समय वो था जो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए अपने माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार को छोड़कर मुंबई जैसे शहर चला गया, वहां मेहनत किया, संघर्ष किया और संघर्ष के बदौलत हमने कामयाबी हासिल किया। अक्सर लोग जब आगे बढ़ जाते हैं तो पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। लाखों करोड़ों ऐसे लोग होते हैं, उसमें से कोई एक व्यक्ति ऐसे होते हैं जो आगे बढ़ने के बाद भी अपने पीछे के लोगों को देखते हैं। उसमें से मैं हूं जो अपने घर परिवार बच्चे को बॉम्बे में छोड़कर आपके अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं माना और बिहार में भी हमने पिछले 10 सालों से हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये बात अलग है कि संपूर्ण हमें उपलब्धि हासिल नहीं हुआ, लेकिन जितना भी हुआ वो किसी से कम नहीं है। हम लोगों ने, आप सब भी मिलकर संघर्ष किए और आगे हम लोग बढ़ रहे हैं।
2019 में चुनाव लड़ा, 20 में लड़ा, 24 में लड़ा। 20 में तो हमने पावर भी लाया, हमने सरकार बनाया, हमने विधायक बनाया, हम स्वयं मंत्री बने, लेकिन आपको रोका गया। क्यों रोका गया? क्योंकि आप तेजी से आगे बढ़ रहे थे। जब जब आप कोई काम अच्छा करें, अगर उसको रोकने के लिए कोई आ जाए, तो आप 100% गारंटी के साथ मान लीजिए कि काम आप अच्छा कर रहे हैं, इसलिए लोग रोक रहा है। काम आप कहिए और कोई नोटिस ना ले, रोके नहीं, तो इसका मतलब है कि काम आपका अच्छा नहीं हो रहा है। और जब काम आप कर रहे हैं, लोग तरह तरह के बात करेंगे, तरह तरह के उंगली उठाएंगे, लोग उसको रोकने के लिए जब आते हैं, तब इसका मतलब है कि आप सही रास्ते पे चल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। वही काम हमारे साथ भाजपा ने किया, वो रोकने का काम किया, हमारे विधायक खरीदने का काम किया। दूसरों से और हमें अच्छा लगता है कि लोग हमसे डरते हैं, इसलिए आज हमको रोकते हैं। इसलिए साथियों, मंच पर बहुत सारे नेतागण हैं, सपना में राजनीति नहीं करेंगे, जो जीता वही सिकंदर होता है। मेरे पास कोई सिनेमा हॉल का टिकट नहीं है कि आइएगा और आपको टिकट दे दे और आप जाके 3 घंटे में पिक्चर देखकर हंसी मजाक करके घर लौट जाइएगा। कि मेरे 10 साल का तपस्या है, मेहनत है, लाखों लोगों का उम्मीद है, लाखों लोगों ने सपना देखा, उसको साकार करने का जवाबदेही हमने ली है। आपको देखना चाहिए, लेकिन सपना देखने से पहले उस सपना को साकार करने के लिए पसीना बहाना पड़ेगा। आज हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन में मजबूती से हैं, पूरे बिहार में तूती बोल रहा है। अगर 1 नंबर के कुर्सी पे तेजस्वी प्रसाद यादव जी होंगे, तो 2 नंबर कुर्सी पर तेजस्वी अति पिछड़ा का बेटा होगा। हम 50 टिकट उसी को मिलेगा जो पसीना बहाएगा, काम करेगा, जो जीतेगा। जीतने में निशा समाज सक्षम होगा, अति पिछड़ा होगा, तो उनको मिलेगा। सबको धन्यवाद, स्वागत है। लेकिन पार्टी के एक्टिव पदाधिकारी जो हैं, युवा हैं, माला पहनाने के लिए, गले में शॉल देने के लिए होर मचा कर रखे थे, लेकिन उतना ही पार्टी के लिए काम करते तो ज़्यादा अच्छा होता, इससे ज़्यादा मैं खुश होता। तो विशेष यही कहूँगा कि जो हम लोग लड़ाई लड़े हैं, अंजाम तक नहीं पहुँचे हैं, अभी भी बीच मझधार में हम फंसे हुए हैं। जब तक आपका संपूर्ण राज्य में सरकार नहीं बनेगा, लाखों लोग जो सपना देख रहे हैं वो साकार नहीं होगा। और सपना साकार करने के लिए ये लाखों का लाख लोगों को अपने पैर पे खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए जो आए आप ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।